वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। सो आज का हमारा ब्लॉग है मोटो ब्लॉग है, ऑब्जर्वेशन ब्लॉग है, और मैंने बाइक में कुछ चेंजेस करवाए हैं। चेंजेस क्या, यहाँ पे जो हैंडगार्ड था वो अभी टेम्प्ररी फिल वक्त निकाल दिया, उसको बाद में लगाऊंगा। थोड़ा मैंने सोचा एकदम नेकर कर देते हैं उसको, थोड़ा आगे से बल्की लग रही थी तो मैंने थोड़ा सा ये चीज निकाल दिया, मिरर निकाल दिया। मोबाइल माउंट लगा हुआ है खाली, तो सामने से हैंडल थोड़ा फ्री लग रहा है, मतलब जैसे हार्ड टाइप लगता था। हार्ड क्या, थोड़ा सा एकदम लाइटली वेटेड लगता था, तो वो थोड़ा फ्रीली लग रहा है मुझे। और काफ़ी कटिंग में, जो बाइक कटिंग में चलाते हैं ना, कट मार के, तो वो काफ़ी ईजी हो गया है उसकी वजह से, और मिरर की वजह से थोड़ा कटिंग में प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन अब तो बहुत सॉलिड कटिंग वगैरह आ रही है परफेक्टली। और ट्रेन देख सकते हैं सामने जाते हुए। थोड़ा लेट ऑन किया है, एक बंदा ट्रैफिक जाम है, एक बंदा सामने से जो ई रिक्शा है वो सामने ट्रैफिक जाम है, वो पीछे से टर्न मार के आ रहा था, उसने देखा नहीं और एकदम ही से मोड़ दिया और मैं सामने, ज़रा सा भूल चूक हुई नहीं तो लग गई थी, कांड हो गया था। इनको देखो क्या कर रहे हो भाई साहब, ट्रैफिक का कोई सिस्टमेटिक नहीं। ये देखो कारीगर इतना पीछे, ट्रैफिक जाम और थूकने, और ये नेता है पता नहीं क्या है। और एक कल मेरे पास एक कमेंट आया था, एक बंदे ने कमेंट किया था कि R15S और विदाउट ABS जो है, और आपकी पल्सर 220, ये दोनों में क्या डिफरेंस है ब्रेकिंग में। तो ब्रेकिंग के बारे में बताना चाहूँगा कि ब्रेकिंग में कुछ डिफरेंस है बहुत ज़्यादा, कुछ क्या बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि मैंने दोनों बाइक चलाई हैं। R15S की ब्रेकिंग अच्छी है, विदाउट ABS भी है मगर ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, जजमेंट है उसका। मैकेनिज्म ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि आप आगे का ब्रेक मारें या पीछे का ब्रेक मारें तो वो स्किड नहीं होती है। और जैसे 220 वगैरह है तो आप 100 के ऊपर या 90 के करीब करीब स्पीड हो, अगर आप आगे का या पीछे का ब्रेक मारते हैं तो गाड़ी स्किड होती है। उसका मैकेनिज्म आई डोंट नो, कंपनीज ने तो डिज़ाइन किया है, इतने ज़्यादा बाइक्स लॉन्च किए, मैं टेस्ट में उन्हीं ने सुधारी और ओल्ड मॉडल जो वर्जन 1 था उसकी तरह सीट दी, और पावर वगैरह तो सेम ही था। वर्जन 2 और R15S का पावर सेम है, और वर्जन 3 का पावर काफ़ी ज़्यादा दे दिया गया है एज़ कम्पेयर टू 150cc बाइक। वो 155cc का इंजन है जिसमें 17 BHP का इंजन दिया है, वाओ आई कैन इमेजिन यार। और उसमें पावर काफ़ी ज़्यादा है और बहुत सारे फंक्शन उसमें, मीटर में काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस दे दिए हैं, VVA टेक्नोलॉजी दी है जो कि आपकी इसमें नहीं है R15S में। मगर R15S भी मैं बताना चाहूँगा बहुत अच्छी बाइक है, मैंने 3 साल रखी है, उसमें कुछ ऐसा बड़ा खर्चा नहीं। यामाहा ऑलमोस्ट तो इंजन वगैरह में प्रॉब्लम नहीं आती है, मगर मैं बताना चाहूँगा R15 अच्छी है, मगर जो यंग जनरेशन के हिसाब से है, जो आजकल लेना चाह रहे हैं जिस प्राइस पॉइंट के रेंज में, इन्हीं ने जो प्राइस पॉइंट निकाला है तो प्राइस पॉइंट काफ़ी हाई कर दिया मेरे हिसाब से। 1.5 लाख इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस 150cc बाइक, वो 170 के करीब करीब जा रही है, तो बहुत ज़्यादा रेट कर दिया है वर्जन 3 का ABS वाली, तो आई डोंट थिंक सो 150 इज़ मोर देन सफिशिएंट यार। 150cc की बाइक है, कोई 200-250cc की बाइक नहीं जो 2 लाख के करीब करीब हम ले जा रहे हो रेट। तो मेरे हिसाब से दोनों बाइक का डिफरेंस जो था वो मैंने बता दिया। अब आपको कंटिन्यू करते हैं, जब मैं यहाँ से निकलता हूँ, कुछ काम के लिए आया हूँ तो वो काम करके मैं यहाँ से निकलता हूँ, फिर आपको ज्वाइन करता हूँ, टिल देन बाय। सो हे व्हाट्स अप गाइस, सो हम अब वापस आ गए हैं और कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग।
और देखते हैं कुछ आपको मोटो ऑब्जर्वेशन दिखाते हैं कुछ, तो चलते हैं। वैसे मैं घर जा रहा हूँ, अब जो काम था मेरा हो गया। और चलिए, जब तक आप टाइम लैप्स एंजॉय करिए, इतना बढ़िया टाइम लैप्स लिया है मैंने, उसको एंजॉय करिए, उसके बाद मिलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ओह शिट मैन, इसको देखो। ओह चचा, ओह भाई गॉड, यार ये देखो ऐसे लोग चलते हैं तो रोड पे तो कैसे होगा भाई, बाइक चलाने वालों के लिए। सीक्वेंस में चला भाई, सी दिस मैन, यार ये क्या होता है यार, ई रिक्शे के ऊपर बॉटल्स प्लास्टिक की, जुगा इंडिया भाई, इतना बड़ा पसारा काहे रख लिया ऊपर, ई रिक्शा चल पाएगा क्या? सुपर, और लिखा गया सुपर, वाव। सोकल हमारा हो सकता है व्लॉग आए, ये वाला जो मैं शूट कर रहा हूँ इसको मैं आज रात में एडिट कर लूँगा और कल सुबह तक डाल दूँगा। सुबह तक मतलब मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ टाइम, मगर कल ये व्लॉग आ जाएगा आप लोगों के पास। चलते हैं भैया, और बताना चाहूँगा आजकल चेकिंग काफ़ी हो रही है, चेकिंग इन द सेंस सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा किया है। हेलमेट आप लोग सेफ्टी गियर्स पहन के निकलिए, गियर्स तो नहीं कहूँगा, हेलमेट इज़ कंपलसरी फॉर। देखो भाई हेलमेट लगा ले भाई, हेलमेट ज़रूरी है। ये देखो शाहरुख खान को देखो, कटिंग मार के जा रहा है विदाउट हेलमेट, हेलमेट लगा ले भाई। इन ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों की वजह से हम लोगों का चालान कटता है। यो यो यार, लाइट्स क्यों नहीं है यार, लाइट्स क्या हो गया, सरकार के पास पैसा खत्म हो गया क्या जो लाइट्स बंद कर दिया भाई साहब? यहाँ तो लाइट्स कंपलसरी है यार, लाइट्स तो लगाओ यार, क्या है भाई। उसकी वजह से काफ़ी लाइट वेट लग रही है और काफ़ी फ्री चल रही है, मिरर निकाल दिया है खाली, अपना मोबाइल माउंट लगा हुआ है। कैफियत पूछो, वाह 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 भाई, आराम से चला भाई, आराम से चला। ये देखो भाई साहब कितना स्पीड चलाते हैं, ओके लिखा हुआ है ऑन सामने। ये रोड थोड़ा रिस्की है, अगर आप लखनऊ से हैं तो ये आपको पता होगा, बंदे वाली रोड, ये सीधी रोड आपकी जाती है। तो यहाँ पे अपने वीडियो को एंड करते हैं, और आपको वीडियो कैसा लगा तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।